अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी फ्रंट फुट। आज मुकाबला है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का, दोनों टीमें टकरा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया बेहतर पोजीशन में है, लेकिन बांग्लादेश का भी हाल कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि वो बॉटम फाइव में टॉप पे है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप फाइव में मौजूद है। तो पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि कल जनूबी अफ्रीका जीत जाता तो पाकिस्तान का इम्कान रोशन हो जाता। हाँ, उम्मीदें कायम थी, क्यों कायम थी मुझे नहीं समझ आ रहा था, कल भी नहीं समझ अभी भी है, अभी भी ऐसा नहीं सोचो। अभी भी लोग क्या कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज जो न्यूजीलैंड है ना, वो अगर वेस्ट इंडीज से जीत जाए, वेस्ट इंडीज से जीत जाए सारे मैच और बाकी मैच सारे हार जाए और हम सारे जीत जाए तो 11-11 पॉइंट हो जाएंगे। तो फिर भी उनका रन रेट हमसे इतना बेहतर है कि फायदा नहीं, तो हम जो जीतेंगे वो सारा 200 रन के मार्जिन से जीतेंगे। 200 रन से जीत, 9 विकेटों से, 200 रन से, फिर क्या होगा आपके पास? 30 ओवर में 300 रन का टारगेट चेस कर दिया तो हम करेंगे ना, क्या हो गया? अभी 50 ओवर में नहीं हो रहे और उस वक्त 30 ओवर में कर रहे। भाई हमारी उम्मीदें हैं, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? भाई उम्मीदें जलते हो यार आप, इतनी ज्यादा जब उम्मीदें हो जाए ना, उसके बाद जब डिसअपॉइंटमेंट आती है तो ज्यादा अफसोस होता नहीं, जब है, हम रियलिस्टिक होना चाहिए। बात सुनो, जब हम फील्ड के दौरान मैंने तो हाल रख लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। हाँ, तो यही है ना कि हम ख्वाब देख रहे हैं, देखने तो हाँ ये है, ख्वाब तो अच्छे होते हैं। चले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, पहले बैटिंग करी ऑस्ट्रेलिया, टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जो है, जाहिर है वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया है तो एक ही फेवरेट होता है हर बार। क्यों भाई, बांग्लादेश ने अभी वेस्ट इंडीज को हराया, बांग्लादेश ने जनूबी अफ्रीका को हराया, बांग्लादेश बेहतर खेल पेश किया है, बेहतर नहीं बहुत अच्छा पेश किया, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने खेला है, खासतौर पर शाकिब जिस तरीके से खेल रहा है, तो वेरी गुड बैटिंग, बॉलिंग उनकी अच्छी हो रही है। लिटन दास ने उस दिन बहुत अच्छा खेला, 40 something ओवर्स उन्होंने खत्म ही कर दिया, 41 ओवर्स में। लोग कह रहे हैं कि 400 रन होते वो भी बना जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से उस दिन खेला है बना सकते थे, मगर ऑस्ट्रेलिया का फिर वही है, मिचेल स्टार्क है, कमिंस है, बैटिंग फिर उनकी, आज जब पहले बैटिंग कर रहे हैं, इतना बड़ा बैटिंग ऑर्डर है, अगर बड़ा टोटल दे दिया, हाँ माना वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी बड़ा टोटल था तो बांग्लादेश शॉर्ट के स्कोरबोर्ड प्रेशर उन पर नहीं पड़ता, मगर ऑस्ट्रेलिया फिर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। ता पाकिस्तान क्रिकेट की भी बात करना हमें लाजमी चाहिए, आप लोगों को भी कनेक्ट करें उनके कमेंट्स पढ़ के। अब तक वर्ल्ड कप में कैप्टन्स परफॉर्म कर रहे हैं, आप एवन मॉर्गन को देखें परफॉर्म किया, आप जेसन होल्डर को देखें परफॉर्म किया, आप विराट कोहली को देखें परफॉर्म किया, फिंच विलियमसन को देख लें, फिंच को देख लें, जो जो कैप्टन परफॉर्म कर रहा है ना वो आगे आ रहा है। डुप्लेसी परफॉर्म नहीं कर रहा, अफ्रीका नीचे जा रहा है, एक और टीम परफॉर्म नहीं कर रहा उसका कैप्टन वो नीचे है, मैं नाम नहीं ले रहा, देखा फिर तुम आ भी आ गए यार। क्या है यार, तो जो भी कर रहा था मैंने थोड़ी कुछ करा है। अच्छा, मैं जा नकल उतार रहे हो जख्मों में, तुम जो है नमस्कार करो ना, और कुछ नहीं है। हाँ जाहिर है, कैप्टन जो है लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं, जिस तरीके से वो कमिटमेंट शो करता है, जिस तरीके से वो करता है, वो बहुत डिफरेंट होती है किसी और से। क्या कंपेयर करना अगर आप कोहली वोली से, तो बिल्कुल ही अलग है, बल्कि सरफराज से ही अगर आप कंपेयर करो, जो 2-3 साल पहले वाला सरफराज था, वो जब भी एक बुरा ओवर होता था वो आके चीखता था, एक बुरा ओवर क्या, हर बुरी बॉल के बाद आके चीखता था कि यहाँ नहीं कराओ, ये नहीं कराओ। अब वो उसके नहीं, अभी भी कहते हैं, वो शाहीन अफरीदी को बार बार कहते हैं कि यहाँ बॉल कराओ, वो कहते हैं नहीं मुझे वहीं करानी है, पीछे ही करानी है। मगर आई थिंक वो हार मान चुका है, वो थक गया है, क्या हुआ है, इतना वो खुद इन्वॉल्व नजर नहीं आता, पहले तो वहां से भागता हुआ आ जाता था, हसन अली को बहुत बार बोलना पड़ा जा वापस जा भाई, मुझे पता है क्या, मुझे पता है, बड़ा मशहूर हुआ था वो मामला। तो वो या तो उसको वो सब बुरा लगा है कि प्लेयर्स को इतना अच्छा नहीं लग रहा था उसकी माइक्रो मैनेजमेंट, या पता नहीं क्या है, बट ही सीम्स डिसइंटरेस्टेड जो है काफी ज्यादा। अच्छा, ताहा सियालकोटी क्रिकेटर है, जानते ही होंगे आप, बहुत ज्यादा क्रिकेटर हैं सियालकोट के, बहुत ज्यादा क्रिकेटर है। हाँ, नाम लेना पड़ेगा भाई आपको। इस टाइम जो टीम में एक सियालकोटी है, वैसे दो हैं, दो हैं आपको पता है, दो हैं, हारिस सुल का ताल्लुक भी सियालकोट से। तो सुना यह है कि वो रिटायरमेंट के लिए मशवरे कर रहे हैं। तो मशवरे किससे कर रहे हैं, अभी मशवरे करने हैं। यही लोग कह रहे हैं कि अब भी मशवरे करने हैं, आवाम से नहीं मशवरे कर रहे, वो अपने क्लोज फ्रेंड से और फैमिली मेंबर से। जिस तरीके से पिछले मैच में परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड कप में, पिछले मैच में, उससे पिछले मैच में, उससे पिछले मैच में, उससे पिछले मैच में, इंग्लैंड सीरीज में, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे उसमें, तो आई थिंक रिटायरमेंट कहीं नौबत ही नहीं आनी चाहिए, आई थिंक अगले मैच में जगह ही नहीं बनती टीम में। नहीं, जगह तो नहीं बनती, लेकिन अगर आपको याद हो 2011 का वर्ल्ड कप था, शुएब अख्तर ने ड्यूरिंग वर्ल्ड कप रिटायरमेंट ली थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि इंडिया के खिलाफ मैच में उसको नहीं खिला रहे। तो अब अगर पता चल गया कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में नहीं खिला रहे,
तो क्या बेहतर वे होगा कि आप रिटायरमेंट ले लें, या आपने कहा हुआ है कि वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होऊंगा? नहीं, वर्ल्ड कप के बाद ही जाहिर है रिटायरमेंट जो है वो सेंस बनाती है। अभी शायद अनाउंस कर दे, मगर अनाउंस करने का भी पॉइंट नहीं है। एवरीबॉडी नोस कि इस वर्ल्ड कप के बाद तो कोई तुकी नहीं बनती ना टू हैव दीस सीनियर प्लेयर्स। वर्ल्ड टी20 खेलने का जो है ना प्लान आगे बैठे हुए, और आप कह रहे हैं तुक नहीं बनता। वर्ल्ड टी20, टी20 एक अलग स्पोर्ट है, वनडे नहीं तो वर्ल्ड टी20 में कौन सी उनकी परफॉर्मेंस है? हां, ये भी मेरे सवाल है। सर, टी20 में पाकिस्तान के पास इतने यही सारे प्लेयर्स टी20 में इतना अच्छा खेलते हैं कि टी20 में हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शन और भी हैं, तो ये भी है कि टी20 में भी कोई ऐसी जरूरत नहीं। अच्छा चले यार, अब 22 ना हो, आपने तो पहले दिन से कह रखा है कि पाकिस्तान ने नहीं जाना, कोई चांस है किसी सूरत में? चांस वैसे ही है। अब ये ना कहना कि बाकी यहाँ मलिक साहब रिटायरमेंट का ऐलान करें, यहाँ बाकी टीमें क्विट कर जाए तो पाकिस्तान का चांस बन जाएगा, ये ना कहना। प्रॉपर चांस ऐसे ही है बस, के बाकी सारे न्यूजीलैंड हार जाए सारे मैचेस अपने, सब हार जाए और हम सब जीत जाए, यही चांस है। मगर ये तो शायद हो सकता है कि न्यूजीलैंड सारे मैचेस हार जाए मगर पाकिस्तान के सारे जीतते रहे। कल जनूबी अफ्रीका ने जितना अच्छा खेला, क्या आपको लगता है कि हम आराम से उनको हरा देंगे? नहीं, आराम से तो नहीं हराएंगे, मगर आमला का बल्ला चल गया। देखें, आमला का चल गया, कल काफी क्लोज कॉल्स हुए। अगर वो केन विलियमसन का जो वो एज लगा, उन्होंने अपील नहीं करी। वकास अली सऊदी अरब से आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास, वेलकम। भी लाइन भी ड्रॉप हो गई, मेरे ख्याल से आते ही चले भी गए। आते ही चले गए। कमेंट्स, खुर्शीद खान कह रहे हैं हाय, कय्यूम खान कह रहे हैं हाय, मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं बाय। तो ये तीन कमेंट्स आए अभी तक, दो हाय आ गए, बाय आ गए, तो बाय वाले भाई को बाय, जो दो आए उनको हाय। तो अभी तो यही कमेंट्स हैं। पाकिस्तान का क्या, तुम्हें क्या लग रहा है, चांसेस हैं, उम्मीद लगा के बैठे हो अभी भी? मुझे तो यकीन है कि वर्ल्ड टी20 में हम फाइनल फोर में आएंगे। अच्छा, यकीन है कि वर्ल्ड टी20 में मुझे भी यकीन है कि तो आ जाएंगे। तो फिर किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, वर्ल्ड कप यानी तुमने भी हटा दिया ना, यानी राइट ऑफ कर चुका आगे का सोच। वर्ल्ड कप तो भी आना है ना 2023 में। 2023 वाला, उसमें उम्मीद है कि ये होगा कि सीनियर्स जो हम लोग हर बार लेके जाते हैं कि भाई सीनियर्स का आखिरी वर्ल्ड कप है। असरार भाई आ गया सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम असरार भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, क्या खैरियत है यार? ये ताहा कह रहा है कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, तुम बताओ पाकिस्तान का चांस है आगे जाने का? सर, मैं अभी कल जो मैच लास्ट देख रहा था तो अफ्रीका और न्यूजीलैंड, तो मैंने सर मैं बिल्कुल बस मेरे ख्याल में अभी चांस खत्म हो गया पाकिस्तान का। क्यों भाई, न्यूजीलैंड जीत गया, अफ्रीका हार गया था कल, नुखार गया ना। हम तो यही सोच, हम तो दुआ किसी के लिए कर रहे हैं सर, लेकिन वो उल्टा हो गया, उधर चला गया। फिर तो क्या पाकिस्तान हरा नहीं सकता अफ्रीका को? नहीं, तो पाकिस्तान का भी चांस बिल्कुल खत्म हो गया, अगर मगर की कहानी बिल्कुल खत्म हो गया सर। नहीं, अभी अगर मगर की कहानी तो अभी भी है, वो तो पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। नहीं, अभी किस तरह आप आगे बताएं? अभी इस तरह है कि न्यूजीलैंड के 9 पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जीत जाए तो 11 पर आ जाएगा, न्यूजीलैंड अगर अच्छा। सारे हार जाए तो 9 पे ही रहेगा और फिर पाकिस्तान आगे आ जाएगा। और अगर न्यूजीलैंड एक जीत जाए बाकी आ जाए तो भी 11, मगर वो फिर रन रेट इतना वो है कि वो ज्यादा मुश्किल है। न्यूजीलैंड को रियलिस्टिकली स्पीकिंग सारे मैचेस हारने होंगे, ये मैं विद अ स्ट्रेट फेस भी नहीं बोल सकता हूं ये बात कि न्यूजीलैंड 4 मैच हार जाए पाकिस्तान 4 मैच जीत जाए। सर जी, एक बात, मेरी बात सुनो सर। सुनाए, दो बातें सुनाए जी। आप जिस वो जो था 4 टीम है और टॉप पे है, आप उसको एक नीचे गिराते, किस तरह वो गिरेगा नीचे? जो इतना परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान के 3 पॉइंट आप उसको 11 पे लेके जाते हैं और आप जब कहते हैं 300 रन। मैं नहीं लेके जा रहा है इसरार भाई, मैं नहीं लेके जा रहा, और ये मैं अभी से नहीं है, मैं पहले मैच से कह रहा हूँ कि आपकी टीम का बहुत बुरा हाल है, ये टीम स्ट्रगल करेगी और वो स्ट्रगल करती रहेगी, ये सिर्फ अभी का नहीं कह रहा मैं। मेरा जो अपना जितना मैं क्रिकेट समझता हूँ ना, मेरी ख्याल नहीं ख्याल है पाकिस्तान का चांस बनते हैं। मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान आगे जाने का, मेरा नहीं ख्याल अभी 2 मैच। अच्छा चलो, आपके ख्याल को मान लेते हैं कि चांसेस नहीं है, तो अब नहीं अगर जाते, अगर नहीं जाते अल्लाह करे चले जाए, अगर नहीं जाते तो फिर क्या करना चाहिए इन खिलाड़ियों के साथ, वो भी बताओ जरा। सर मैं अखलाकियात के दायरे में नहीं, मैं वो वाला नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल, मेरे को पता है सब चीज का सर। सबसे पहले सर, जो ऊपर से जो लोग बैठे हैं ना सर, जो दो कोच है पानी बाहर के का, एक वजर में मुंह दे इंजमाम है, ये 4 सबसे पहले अभी से डिसाइड करना चाहिए मलक को, अभी से उसको रिटायरमेंट ऐलान करना चाहिए।
तो ये कल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में भी यही हुआ था कि ये जो सारे सपोर्ट स्टाफ है इनकी कारकर्दगी का मुआयना होगा वर्ल्ड कप के बाद। तो आपको लग रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद ये पूरा ओवरहॉल होगा? सरफराज ने कहा ना, जिस तरह सरफराज ने एक ने नहीं जाने, सबको जाना है, अगर ये कम से कम अफीज, सरफराज, मेरे शुएब मलिक और असन अली को, सर असन अली अभी मेरे नहीं, वो नहीं कर रहे इस तरह जिस तरह पेरा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी था उसमें जान लगाया उसे, अभी उसमें इतना दम नहीं है, अभी नहीं है वो, जिस टाइम नया आया था शहाब शदाब था तो उसने जबरदस्त खेला था, लेकिन अभी नहीं है उसको थोड़ा क्या नाम। अच्छा, इस पर इसरार इस पे क्या कहोगे कि बाकी टीमों के कप्तान परफॉर्म कर रहे हैं, रन्स भी बना रहे हैं, टीमों को जितवा भी रहे हैं और हमारा कप्तान भी परफॉर्म तो कर रहा है यार, एक 50 बनाया गालिबन, एक बनाया ना 50, एक 45 कब बनाया सर, कब कब एक वो एक वो वाले मैच में जिसमें जो है आपका बल्कि पिछला ही मैच था जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म किया था, इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी नहीं किए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एंड से चल रहे थे, ये सपोर्ट स्टाफ बना हुआ था तो थोड़ा बहुत तो चला है, मगर हाँ मैच विनिंग, मैच तो हम जीते ही नहीं तो विनिंग क्या करेंगे। हम तो उस लोगों में ना पाकिस्तानी, तो वो आवाम है, आप 10 मैच हारो मुश्किल नहीं है, लेकिन 10 मैच बुरी हारो, एक मैच अच्छा से जीतो तो सब 10 को भूल जाते हैं सब लोग। ये बात तो है यार, ये बात तो है, तो वो अच्छा था मैच, हम जीतेंगे ना आखिरी वाला बांग्लादेश के खिलाफ, एक इंग्लैंड से जीत गए बांग्लादेश के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ अगर हम मैच जीत गए तो हम सब बाकी जो सब मैच 7 मैच हम ये बोल जाते चलो मुश्किल नहीं, हमने तो 2 मैच, किसने जीता, किसके साथ जीता भाई, किसके खिलाफ जीता, तो एक बंगाल के खिलाफ और एक अफगानिस्तान के, मेरा नहीं ख्याल है सिर्फ बंगाल के खिलाफ हम मैच जीते, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि बंगाल जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे भी आप जो अभी ऑस्ट्रेलिया जो टॉस जीते अगर 270-280 पे ये रोकते तो आराम से वो चेस करते, आराम से, मैं कह रहा हूँ सर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोबारा मैं अगर आपको प्रोग्राम मैच के बाद मैं फिर आपको मुबारकबाद दूंगा मेरे तरफ से सर। अच्छा सर भाई, आपको लग रहा है आज के मैच में बांग्लादेश जीत जाएगा? अगर 200 पे 280 270 पे अगर वो उसका टारगेट मिले 270-280 तक तो इंशाल्लाह बंगाल आराम से चेस करेगा, आराम से, जिस तरह वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनने चेस कर दिया आराम से, वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो 300 प्लस ही बड़े आराम से कर दिया था उन्होंने चेस। मैं तो ये ऑस्ट्रेलिया ना वेस्ट इंडीज है, ऑस्ट्रेलिया वो तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत बेहतर है ऑस्ट्रेलिया ना, तो मैं इसको कह अगर 280 पे 270 तक ये अगर कंट्रोल कर रहे हैं ना तो ये आराम से चेस कर रहे हैं, 6-7 विकेट पे आराम से कर रहे हैं आराम से, क्योंकि इसमें कोई जबरदस्त है, अभी बंगाल की टीम बहुत जबरदस्त जा रहे हैं, बिल्कुल बांग्लादेश की टीम काफी अच्छी चल रही है, बहुत जबरदस्त सर। और सबसे मैं कल भी एक सवाल पे आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन मैंने आपको कल कहा था ना ये फवाद आलम, फवाद आलम बेटा है इस तरह वो इतना परफॉर्म डोमेस्टिक में कर रही, क्यों नहीं ये खिलाते ये लोग? नहीं, फवाद आलम का तो कल ही हमने डिस्कस करा था मैंने और शुएब ने कि पिछले 1.5 साल में उसकी परफॉर्मेंसेज काफी इनकंसिस्टेंट हो गई, अप एंड डाउन हो गई है, पहले वाकई में बहुत अच्छा था उसके साथ बिल्कुल जाती हुई, मगर अब तो अनफॉर्चुनेटली इज अ प्लेयर ऑफ द पास्ट, तो उसको आपने जाया कर दिया, अब तो टीम में लाने का पॉइंट ही नहीं है। अच्छा जी, अब तो हमारा जो अगर वजी अजहर महमूद की जगह अगर वसीम अकरम दुनिया के बेहतरीन बॉलर 500 विकेट पहली सबसे पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गया वो वसीम अकरम, उसको अगर वो कोच बॉलर अगर कोच बन गया और ये पाकिस्तानी अगर बैट्समैन जो भी बैट्समैन बैटिंग का कोच हेड कोच होते हैं ना अगर पाकिस्तान से लेते तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत, क्योंकि अभी ये लोग तो चला जाएगा ये जो बाहर का कोच है फिर आप किससे पूछेंगे, अगर ये वापस भी 2 साल के बाद जाते तो आप उससे पूछना चाहिए भाई क्या हो गया 2 साल में क्या किया आपने, चलें जरूर जरूर हम उनसे भी 2 साल में पूछेंगे। फिलहाल मैच को एंजॉय करते हैं, वापस मैच पर आते हैं, बांग्लादेश पहले बॉलिंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा है और फजल बता नहीं रहे कि अपडेट्स क्या हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई ऑस्ट्रेलिया बेहतर पोजीशन में नहीं है, क्या कोई आउट हुआ है? बच गया लकी रहा, बच गया हाँ जी, मेरे ख्याल से डेविड वार्नर था, वार्नर जो है आउट होते होते बच गए। अच्छा तहा आपको अपडेट देता चलूं कि एमडी पीसीबी वसीम खान जो है अभी भी मैं वही चेक कर रहा था वो अब क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन भी होंगे, मोहसिन खान ने कह दिया कि जी मुझे क्रिकेट कमेटी से जरा इजाजत दे दें, क्योंकि इसलिए इजाजत देते हैं क्योंकि वो दूसरी पोस्ट पे आ रहे हैं। अच्छा, बड़ी ख्वाहिश है उनकी कि चीफ सिलेक्टर बन जाएं, तो माजी में भी रहे हैं चीफ सिलेक्टर, तो चेयरमैन क्रिकेट कमेटी यानी कि अब उनके अंडर में वसीम अकरम होंगे एमडी वसीम खान के और मिसबाहुल हक होंगे और उरूज मुमताज होंगी। तो ये जो चेयरमैन ये जो क्रिकेट कमेटी बनी है इसका मेन पर्पस क्या होता है अगर आप थोड़ा 50,000 रुपए पर प्रोग्राम हासिल करना
हाँ, जब जब इनकी मीटिंग होगी पर डे 50,000 होगा, एयर फेयर होगा और टीएडी होगा। मगर करते क्या है ये, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि मुझे इनका कोई वो नहीं टेंजिबल कोई चीज अभी तक आई है इस क्रिकेट कमेटी से। देखें यार, एक कड़वा सच्चाई आपको मानना पड़ेगा, वसीम अकरम, रमीज राजा, दोनों पाकिस्तान क्रिकेट पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखें पिछले 5 से 6 साल में ये दोनों ही होते हैं, कभी ये फाइंडिंग कमेटी में होते हैं, कभी ये एडवाइजर होते हैं, कभी ये क्रिकेट कमेटी में होते हैं। तो मतलब तो, मैं ही हाँ, हमारे बहुत सारे प्लेयर ये जो है, मोहसिन खान हो गए, हारून रशीद हो गए, ये सारे वसीम भी अब हो गए, इनमें ये सारे पीसीबी में यही रोटेट होते रहते हैं कभी, और फिर यही बुरा कहते हैं यार, अपना ही सिस्टम बनाते हैं और फिर कहते हैं यही बुरा है, ये इस पोजीशन में आ गए, उस पोजीशन से निकाला गया, तीन अब 3 महीने बुरा। चलिए फिर आपको बताते चलूं कि इंजमामुल हक जो है उनके साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है कि इंजमामुल हक का रोल बदल रहा है लेकिन तनख्वाह नहीं बदल रही। खान चमन से बात कर रहे हैं, वेलकम करेंगे। खान भाई पूरा नाम बताएं अपना। हमारा नाम जरीफ खान है। जरीफ खान साहब संगे क्या कहेंगे, पाकिस्तान के चांस हैं आगे सेमीफाइनल खेलने के या नहीं है? पाकिस्तान का बिल्कुल चांस खत्म हो गए हैं। ना कर रहा मामा, ये तो ना करो यारा, अभी वो कह तो रहा है ताहा कब से के न्यूजीलैंड एक मैच हमने तो अभी तक एक क्रीम तोड़ा है, अभी मेरे ख्याल में अरे खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये क्या बात कर रहा है, क्या तोड़ा है? स्क्रीन। अच्छा स्क्रीन तोड़ी है तो ये 15,000 का नुकसान तो नहीं, तो आप काम करें, आप कॉल पे रहेगा फजल को मेरा एड्रेस लिखवा दें आप, आपको कभी गुस्सा है मुझे स्क्रीन भिजवा दिया करें तोड़ने के बजाय, आप मुझे जरूरत होती है स्क्रीन की, मैं ले लूंगा, मुझे मसला नहीं है, गुस्से में आप काम करें, पैक करें उसको और भिजवा दें मुझे, तोड़ा नहीं करें सर। अभी जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगी तो इसमें 3 तब्दीली करना होगी। क्या क्या तब्दीली करना होगी बताओ? एक तो शेरजील खान को वापस लाओ, उमर अकमल और फवाद आलम को टीम में जरूर रखना चाहिए। शेरजील खान को वापस लाओ, वो तो पहले कभी टीम में आया नहीं। शेरजील खान, शेरजील खान साहब कुफनर जो अभी, हाँ ठीक है ठीक है, मैच फिक्सिंग में, अगर वो फखर जमान के साथ इनिंग का आगाज करता तो दुनिया का कोई भी टीम इसके ऊपर, मगर शेरजील के तो वही मसाइल थे ना, अब उसको लाना वापस से वही कंट्रोवर्शियल हो गया, ऐसे आमिर जब आया था तो लोग नाखुश थे, डेविड वार्नर का इतना बड़ा जुर्म नहीं था यार, उसका छोटा सा जुर्म था, उसको सजा बड़ी मिल गई है। डेविड वार्नर को आप शर्जील से तो नहीं कंपेयर करें, अब डेविड वार्नर तो बहुत बड़ा क्रिकेटर है ना शर्जील के सामने, अब अगर शर्जील को मौका दिया जाता तो वो इससे भी बड़ा बन सकता था। अच्छा पहले ये बताओ कि छोड़ो स्क्रीन क्यों तोड़ा था आपने, ये तो बताओ तेरे में सरफराज किस तरह कर रहा था? अच्छा मुंह इस तरह कर रहा था इसलिए स्क्रीन तोड़ दिया। अच्छा उसने उसके जवाई ली, उन्होंने स्क्रीन तोड़ दी गुस्से में, वाह भाई वाह। हम दुआ कर सकते हैं और तो हम खेल नहीं कर सकते, बस पाकिस्तान के लिए हम दुआ कर सकते हैं ना। चले आप भी दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं, तहा भी दुआ कर रहे हैं, हम सब मिलके दुआ करते हैं कि पाकिस्तान टीम जीते। तहा आपको उम्मीद दिला रहे हैं कि पाकिस्तान के अभी भी चांस है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बाकी टीमें अपने सारे मैचेस हार जाएं तो हम जो है वो आगे आ जाएंगे। इजाजत है मुझे, फजल को, ताहा को, हमारी पूरी टीम को, आने वाले प्रोग्राम में क्रिकेट पर बात करेंगे। हाफिज़।